चलिए आगे बढ़ेंगे खबर राजधानी भोपाल से, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 2 महीने से दुष्कर्म कर रहा था आरोपी। भोपाल से ये खबर, जहां नाबालिग के साथ 2 महीने से आरोपी दुष्कर्म कर रहा था, धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म करता रहा। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पर बलिया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 महीने से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धमकी देकर नाबालिग से आरोपी दुष्कर्म कर रहा था। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी आधार पर परवरिया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता रिजवान जी जुड़ चुके हैं। रिजवान जी, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का ये जो मामला सामने आया है, जिसमें अब पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, बताना चाहूंगा, परवली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पर एक सोनू मीना नाम के जो युवक है आरोपी, उसने एक 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और मारपीट भी की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। खासतौर से पुलिस का कहना है पिछले 2 महीने से बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता, जिसके बाद जो है पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली। खासतौर जो परवली पुलिस जो मामले की जाँच कर रही है। रिजवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो नाबालिग से साथ दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है, जहां 2 महीने से आरोपी दुष्कर्म कर रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है।